का जिक्र करते हुए ऋग्वेद के अंदर ये बताते हुए नजर आते हैं, ब्रह्मा वीर परमारमी विश्वेश्वर भक्तम दुनिया वालों, अल्लाह एक है लेकिन उसका महबूब भी बड़ा प्यारा है, उसका महबूब भी बड़ा निराला है। न अल्लाह का कोई जवाब है, न रसूलुल्लाह का कोई जवाब है, न महबूब का कोई जवाब है, न मुरीद का कोई जवाब है। अल्लाह वो है जो जिस्म और जिस्मानिया से बिल्कुल पाक है, और रसूल वो है जो जिस्म तो रखते हैं लेकिन साये बेशक। मेरे अजीज ईमानी भाई और बुजुर्गों, अब हमने कहा कि रसूल के बारे में जो तुम कह रहे हो, हमें बताइए कि जो आखिरी रसूल है, जो खुदा के महबूब है, जो हमारे नबी है, उनकी माँ का नाम क्या है। तो ये उनकी माँ का नाम बताते हुए नजर आते हैं, हे दुनिया वालों, वीरम महावीर परम परारम परा दीपम सुमिति, उनकी माँ का नाम है सुमिति। क्या है सुमिति? ये सब मतलब बता दूं मैं हमारे मुजाहिद साहब, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, बोलो आप। हमने कहा इसका मतलब क्या है, हर मुझे सब कुछ धीरे से कह रहे थी, इसका मतलब ये के साथ अगर इशारा है कि खत्म कर दिया जाए, है तो जरा तड़प के कहिए सब लोग सुभान अल्लाह। हमने कहा सुमिति का मतलब क्या है, तो बोले सुमिति के माने शांति, शांति के माने चैन, चैन के माने सुकून, सुकून के माने आराम, आराम के माने तसल्ली, तसल्ली के माने इत्मीनान, इत्मीनान के माने अरार, अरार के माने तस्कीन, तस्कीन के माने अमन, और अमन के माने आमना। खुदा मिला के हमारे नबी की माँ का नाम क्या, हमारे नबी की माँ का नाम हजरत आमना। हमने कहा माँ के नाम का हमें पता चल गया, जरा उनके वालिद का नाम भी बता दीजिए। आजकल हमारे इस्लामी भाइयों को, नौजवान साथियों को, फिल्मी एक्टरों के नाम तो याद है, क्रिकेटरों के नाम तो याद है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा और वालिद का नाम याद है, नमाज के गुज़ूर और गुज़ूर के फराइज याद हो। हजरत मोहतरम ने कहा उनके वालिद का नाम क्या, बोले वीर महावीर परम परारम प्रणिपम सुमिति विश्वेश्वर भक्तम, बोले उनके वालिद का नाम है ईश्वर भक्तम। हमने कहा इसका क्या मतलब, हम तो कुछ नहीं समझे। बोले ईश्वर के माने अल्लाह, भगत के माने इबादत करने वाला, जब दोनों की एक जगह मिला के अरबी बनाई तो इसकी अरबी बनी अब्दुल्ला। पता चला हमारे नबी के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह है। हमने कहा वालिद के नाम का भी हमें पता चल गया, अम्मा के नाम का भी हमें पता चल गया, लेकिन उनका खुद का नाम क्या है। बोले उनके नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो नाम उनके बहुत मशहूर हैं। हमने कहा वो दो नाम क्या है, बोले वीर महावीर परम परारम परा दीपम सुमिति विष्णु ईश्वर भक्तम शुभम। बोले एक नाम है उनका शुरू, दूसरा नाम है ओम। हमने कहा इसका क्या मतलब, बोल तो जब हमने इसका मतलब निकाला और शुरू की, जब हमने उर्दू बनाई तो शुरू की उर्दू बनती है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, और ओम्मा की उर्दू है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। अब जब इन दोनों लफ्जों की हमने अरबी बनाई तो शुरू की अरबी बनती है अहमद, और ओम्मा की अरबी बनती है मोहम्मद। मतलब ये है कि ये आखिरी नबी जब तक दुनिया में तशरीफ लाने के पहले फरिश्तों के दरमियान में आसमानों में रहे, इसीलिए शायद यू कहा है कि रहमत रसूल पाक की हर शय पे रोल है, रहमत रसूल खुदा की हर शय पे रोल سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ۔ آپ لوگ بڑی محبت سے سن رہے ہیں سبحان اللہ، لیکن میں ابھی کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ نعرے کے جواب تک کی آواز نہیں نکل رہی ہے۔